सब्सक्राइब कीजिए हरिद्वार नर्सिंग गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरि नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, यानी कि आखिर में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, और साथ ही हम जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारणों के बारे में एवं उसके रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि किन फैक्टर्स की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न होती है या इसके चांसेस बढ़ सकते हैं, और साथ ही हम जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है और इस प्रकार के कंडीशन में किस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, और इस प्रकार की समस्या जब भी उत्पन्न होती है तो किस प्रकार की जांचें उस व्यक्ति को करवानी चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं। सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर डायग्राम है वह ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन का है, और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है नी जॉइंट का, यानी कि घुटनों के जो जोड़े होते हैं उनका। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जॉइंट के द्वारा जुड़ी हुई हैं, तो इन दोनों बोन्स की सतह पर एक नीले प्रकार का कवर चढ़ा हुआ है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, और इन कार्टिलेज के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर साइनोवियल फ्लूड होता है। तो यह साइनोवियल फ्लूड और कार्टिलेज मिलकर दोनों बोन के बीच के फ्रिक्शंस को, यानी कि घर्षण को रोकने में मदद करता है। तो इस प्रकार की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन है, इसमें होता क्या है, यह कार्टिलेज धीरे धीरे क्या होती है, कमज़ोर होने लगती है, और कमज़ोर होने के कारण यह सरफेस धीरे धीरे खुरदरी यानी कि रफ होने लगती है, और कुछ समय पश्चात ये कार्टिलेज घिस जाती है, जिसके फलस्वरूप होता क्या है, ये दोनों हड्डियाँ आपस में फ्रिक्शंस करने लगती हैं, यानी कि रगड़ने लगती हैं, और इस फ्रिक्शन के फलस्वरूप जो बोन की जो सतह होती है वहाँ पर नई बोन का निर्माण होने लगता है। जैसा कि आप डायग्राम फर्स्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो फिंगर से उनकी जो जॉइंट्स होती हैं वहाँ पर आपको नोड दिखाई दे रही होंगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में इस प्रकार की नोड जॉइंट के बीच में देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या कारण होते हैं और किस प्रकार के रिस्क फैक्टर की वजह से इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री के बारे में। यदि किसी को फैमिली में इस प्रकार की समस्या है तो वह समस्या अगली पीढ़ी में भी देखी जा सकती है, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर इस प्रकार के डिफेक्टिव जीन्स होते हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वह डिफेक्टिव जीन अगली पीढ़ी में जाएंगे और यह समस्या अगली पीढ़ी में भी देखी जा सकती है। दूसरा है ओल्डर एज। तो इस प्रकार की अवस्था में क्या होता है, 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में इसका जो जोखिम होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे सेक्स यानी कि जेंडर। तो यह जो अवस्था है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो कंडीशन है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो पाचन संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे कि हाई शुगर या ओबेसिटी यानी कि मोटापा या हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो इस प्रकार की कंडीशन में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो समस्या होती है उसका खतरा बना रहता है। उसके अलावा हम बात करेंगे बोन डिफॉर्मिटी। यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही असामान्य जोड़ों के साथ पैदा हुआ है तो उसमें भी इसका खतरा ज़्यादा बना रहता है। या उसके अलावा रिपीटेड स्ट्रेस इन जॉइंट, यानी कि अगर आप कुछ काम लगातार कर रहे हैं तो उस काम की वजह से आपके जोड़ों में ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा ज़्यादा बना रहता है। उसके अलावा ओबेसिटी
यानी कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं उसमें भी इस प्रकार का जो अवस्था है, जो कंडीशन है, वो देखी जा सकती है। इसके अलावा प्रीवियस जॉइंट इंजुरी, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को पहले भी कभी जॉइंट में चोट लगी है तो उस अवस्था में भी इस प्रकार का जो खतरा है वो बना रहता है। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यह दो प्रकार का होता है। पहला आता है प्राइमरी, तो इस प्रकार का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है सामान्य होता है, जो कि हमारी उंगलियों को, अंगूठों को और रीढ़ की हड्डी को, कुल्ले की हड्डी को, घुटनों को और जो हमारे पैर के जो अंगूठे होते हैं उसको प्रभावित करता है। दूसरा आता है सेकेंडरी, तो इस प्रकार के जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मुख्य कारण है, जैसे कि हमारा संक्रमण हो गया, मोटापा हो गया, या जोड़ों में डिफॉर्मिटी या विकार हो गया, या किसी प्रकार की इंजुरी हो गई। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों के बारे में। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को सिर्फ एक लक्षण के आधार पर ही नहीं पहचान सकते, इसमें कई प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना और सूजन होना भी इसके संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा जोड़ों में अकड़न, जिसे स्टिफनेस बोलते हैं, और यह अकड़न खास तौर पर सुबह के वक्त या आराम करने के बाद, या अगर आप लंबे समय से बैठे हुए हैं और उठते हैं तो उस समय ये अकड़न देखी जा सकती है, जो कि एक प्रकार का ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए वार्निंग साइन होता है। इसके अलावा जोड़ों को टच करते समय जोड़ों में दर्द महसूस होता है, या उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस से जो प्रभावित जॉइंट होते हैं उनकी गति धीमी हो जाती है, यानी कि जोड़ों की जो कार्य करने की क्षमता है, जॉइंट में जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जोड़ों को हिलाते वक्त अगर आपको इनमें से चटकने की आवाज़ सुनाई देती है तो ये जोड़ों की हड्डी का आपस में टकराव का एक संकेत हो सकता है, यानी कि जोड़ों की जो हड्डी है वो आपस में फ्रिक्शन कर रही है, रगड़ खा रही है। तो इसको मेडिकल टर्म में क्रेपिटस, ग्रेटिंग या क्रंचिंग सेंसेशन कहते हैं। इसके अलावा बोन स्पूर्स, यानी कि जब दो बोन्स हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप वहां पर नई हड्डी का निर्माण होने लगता है। तो इस प्रकार के लक्षण इसमें देखे जा सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, मतलब समय के साथ साथ ये लक्षण सीवियर या बदतर नहीं होते हैं। दरअसल ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका सबसे दर्दनाक समय पहली बार लक्षण देखने के कई साल बाद भी हो सकता है, और कुछ लोगों में इसकी जो स्थिति होती है सामान्य बनी रहती है या उसमें सुधार भी आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में व्यक्ति को किस प्रकार की जांचें करवानी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आता है एक्सरे। तो एक्सरे में कार्टिलेज दिखाई नहीं देती है। एक्सरे के द्वारा हड्डियों के बीच की जो जगह होती है, जो गैप होता है, उसका पता लग जाता है कि दो हड्डियों के बीच में कितना गैप है। अगर गैप कम है तो उस कंडीशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस माना जा सकता है, यह एक संकेत होता है। दूसरी जांच आती है एमआरआई। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एमआरआई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब मामला गंभीर हो तो उस अवस्था में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए एमआरआई करवा सकते हैं। इसके द्वारा जॉइंट और आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी जांच आती है साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस या जॉइंट एस्पिरेशन। तो इस प्रकार की जांच में जोड़ों से साइनोवियल फ्लूइड को निकाला जाता है, यानी कि आपके जॉइंट के बीच में जो तरल पदार्थ होता है उसको निकाला जाता है और इस फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि आपके जोड़ों में जो दर्द है या सूजन है किसी इन्फेक्शन की वजह से है या किसी और कारण की वजह से, या गठिया रोग की वजह से है, तो इसका पता लगाया जाता है। अगली जांच आती है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के द्वारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का पता नहीं चलता है। ब्लड टेस्ट के द्वारा अन्य कारणों के बारे में पता चलता है, जैसे कि दर्द और जो सूजन हो रही है जॉइंट में
उसका और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ब्लड टेस्ट के द्वारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पता चलता है। अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस निकलता है, दैट मीन्स उस व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। तो इसी प्रकार से जितनी भी जाँचें इसमें की जाती है वो कोई कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है, यानी कि कन्फर्म नहीं करती है कि उस व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है और अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के उपचार के बारे में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से और शेयर करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।